बॉक्स नंबर वन, नंबर टू आपका इंतजार कर रहा है। खबरदार होशियार, बॉक्स नंबर वन तशरीफ ला रहे हैं, ला रहे हैं, ला रहे हमने जो अटोमिक प्लांट्स और मिलिट्री पोजीशन के नक्शे मंगाए थे वो ब्रिगेडियर हमें लाकर क्यों नहीं दे रहा? उसके लिए ब्रिगेडियर खुद आपसे मिलना चाहता है। शट अप। शट अप। हमसे मिलने की जरूरत आज तक किसी ने नहीं की। मैं उसे कह दूंगा आप उसे नहीं मिले। शट अप। हम उससे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और उससे ये भी कह देना कि अगर उसने जरा भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं उसको ऐसा झटका दूंगा कि उसकी मुंडी गले से अलग होकर गली गली भीख मांगने लगेगी। वाह, तो जगह पसंद आई आपको। बकवास बकवास बकवास। क्या बकवास करते हैं वो लोग जो कहते हैं जगह पसंद नहीं आई? ये जगह नहीं है दीवाने, दीवाने खास है, दीवाने खास। लेकिन यहां ज्यादा तारीफ करना मना है। क्यों? ये तो दुनिया भी जानती है इस देश में इससे बढ़कर कोई खुफिया जगह नहीं है। दुनिया जानती? द होल वर्ल्ड नोज। बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ। कौन बेवकूफ है? वो लोग जो इस जगह को नहीं जानते। दैट्स बेटर, दैट्स बेटर। नंबर वन के दर्शन कब होंगे? नंबर वन। नो। पांच, छह, सात, आठ। नंबर वन नहीं। आठ, नौ, दो, ग्यारह। बस नंबर वन तशरीफ ला रहे हैं। इनसे मिलिए ब्रिगेडियर। म्याओ 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 म्याओ। कुत्ते को बिल्ली का आदाब। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई क्योंकि आप अव्वल दर्जे के गद्दार और देशद्रोही हैं। अजी छोड़िए साहब, इस मामले तो आप हम सबके बाप हैं। बहुत खूब बहुत खूब, मुझे आपका मजाक पसंद आया। चलिए अब काम की बात करें। चलिए। काहे साहब कहाँ चले गए? कहीं भी गए हूं। इस घर में मेरी किसी को फिक्र नहीं। सब पागल हो गए हैं। तुम भी पागल हो गए हो, मैं भी पागल हो जाऊंगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। नवरात्रि ये क्या कर रहे हो? बदमाश हो गए तुम तो बिल्कुल। सुनावे। कौन हो तुम? ये कहाँ है? कौन हो तुम? लड़की, तुम्हारे पति यानी सुल्लू के पट्टे ने अस्पताल में आकर हमारी हड्डियों का तानपुरा बजाया। आज हम उसका तबला बजाएंगे। कहाँ है? हनीमून पर गए हैं। आदमी अकेला हनीमून पर जा सकता है? नहीं, लेकिन मून पे जा सकता है। मून मून बेवकूफ, हमें मून मून नहीं विजय चाहिए। विजय कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। लड़की जवाब दे वरना ये इंजेक्शन तेरे सीने के पार होगा। मेम साहब, कहे तो पुलिस को बुलाओ। इंस्पेक्टर, इस आदमी को बांधता है। ये हमारे लिए कभी भी खतरा साबित हो सकता है। चलो। एश्ट्रे। एश्ट्रे? हमें बहुत पसंद आया ये। अच्छा है। सिर्फ एश्ट्रे नहीं, नंबर दो है जो तुमसे पहले हमें मिलने आया था। उसने हमें धोखा देने की कोशिश की तो हमने उसकी खोपड़ी का एश्ट्रे बना दिया।
मतलब मरने के बाद आपके काम आ गया। इसलिए हम चाहते हैं तुम जीते जी हमारे काम आओ। खोल कर दिखाओ। क्या खोपड़ी? नहीं लैंस। वो दाम कहाँ है जो आपने देने का वादा किया था? नंबर दो। मैं आपका बहुत दिनों से पीछा कर रहा हूँ ब्रिगेडियर साहब, लेकिन हर मरतबा आप मुझे चकमा दे जाते। आप एक नंबर के देशद्रोही और गद्दार हैं, मुझे शक तो था ही, अब यकीन भी हो गया। ये कौन है? कौन है? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। कौन? अभी बता दो। कौन है? मुझे क्या, मैंने पहली बार जिंदगी में इसे देखा है? अगर सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ तो मत बोलो। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। वाह क्या शेर है! वाह तो नौजवान, क्या तुम इस गधे को, मेरा मतलब इस नौजवान को, इस शेर को, मेरा मतलब इस ब्रिगेडियर को पहचानते हो? पहचानता हूँ, मैं इनके घर में रहता हूँ। पागल है, पागल है, पागल है। अच्छा तुम पागल? तो फिर आपने एक पागल से अपनी बेटी की शादी क्यों की? ओ तो क्या तुम इनके दामाद हो? 100% इनका दामाद हूँ। व्हाट से यू ब्रिगेडियर? दामाद? मेरी तो कोई बेटी नहीं है। ओहो तो रोमा क्या आपकी माँ है? रोमा? रोमा इज हू? मेरी पत्नी और इनकी बेटी। व्हाट से यू ब्रिगेडियर? नहीं 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 सर, मैं लावारिस हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं सिवाय आपके, और आप भी क्या है। मेरे दिमाग के टेलीफोन एक्सचेंज में घंटी बज रही है। रॉन्ग नंबर होगा सर, रॉन्ग नंबर हो सकता है। आइडिया, क्यों ना ऐसा किया जाए कि इनके लावारिस यानी इस लावारिस के घर में फोन कर दिया जाए और इनके वारिस का पता लग जाए। ब्रिलियंट आइडिया। क्या था? मैं अभी फोन करता हूं। फाइनली गो अहेड। अठन्नी होगी आपके पास? आपके पास जनाब। थैंक यू। कोटी है, कोटी कोटी। चुप। हेलो कौन है? तुम्हारे लिए फोन है, देखो अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो हम तुम्हारा बिगुल बजा देंगे। हेलो कौन? रोमा? हाँ मैं रोमा बोल रही हूँ। आपके डैडी हमारे आए, वो आपसे मिलना चाहते। क्यों, क्या हुआ डैडी को? कुछ नहीं, लेकिन आप जल्दी आइए। लेकिन कहाँ? पता नोट कीजिए। एक मिनट, पेन 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 लिपस्टिक लिपस्टिक से लिपस्टिक से लिखो। कहाँ लिखो? पेपर 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 आईने पे लिखो, आईने पे। हाँ लिखो। बॉस मैंने घर फोन कर दिया, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। पहले नहीं हर माजो बनवा आना। मैं रोमा। तो फिर आप अंदर जाइए। बॉस आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। लड़की लड़की अपने औकात पे आ जा। एक्सक्यूज मी। यस मैं रोमा हूँ। आप अंदर जाइए। थैंक यू। ठहरो। रोमा इन डबल रोल हैंड्स अप। अरे बेवकूफ बनाते हो रोमा। और मैं हूँ ढोमा इंस्पेक्टर हरिहरा। वेट वेट डैडी, डैडी सब क्या हो रहा है? आपको बोल रही है। अब बोलो कि तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम चुप रहो। तो ये तुम्हारे पिताजी? हाँ। और ये तुम्हारी माता जी, मेरा मतलब पति जी? हाँ। अच्छा है, मुझे तुम्हारी खोपड़ी का भी एस्टे बनाना पड़ेगा। अबे तुम बॉस हो या बाबर हजाम? क्या मतलब मैं बारबर हूँ यानी हजाम? अबे घोचू जी, मेरा मतलब है बॉस आपके, आपको इतना भी नहीं मालूम कि सीक्रेट एजेंट का कोई रिश्तेदार नहीं होता, वो तो सिर्फ दो रिश्तों को जानता है, दोस्त या दुश्मन। मैं तुम्हारा क्या हूँ? दोस्त दोस्त फ्रेंड। तो ये तुम्हारे दुश्मन है? हाँ। इन दोनों को मैं तो पहले से ही बंधा। अरे तो खंबे से बांधो ना। खंबे से, खंबे से। डैडी सब क्या कह रहे हैं? कौन डैडी, किसका डैडी? बांधो बांधो। दांत मत दिखाओ टकले, ये सोचो कि अब आगे क्या होगा। आगे की बात में सोचना, पहले अपने पीछे देखो। किधर? और रस्सी है? गुड, तो मान लो इन दोनों को भी।
अरे कोई है क्या घर में? कोई नहीं है। मैं आज घर से ये तय करके आया हूँ, कुछ भी हो जाए मैं ब्रिगेडियर साहब से समझौता करके रहूंगा। तुम्हें क्या करेगा, गोली चढ़ा देगा? मुझे कोई फिक्र नहीं है। यमराज ने सावित्री से कहा था, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? कोई है? कोई है? अरे ये क्या है, किससे बांधा? मुझे बोला क्या? कोई बोलो, ओहो बोलो बोलो। अरे रुमाल से बड़ा फोन उठा के भाग गए। फोन? हाँ फोन तो ही पड़ा हुआ है। फोन आई थी, फोन आया था, फोन रुमाल को उठा के भाग गए। कहाँ भाग गए, कौन भाग गए, कुछ पता मालूम है? हाँ जल्दी बोलो क्या। अरे ये तो अंग्रेजी में लिखा है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं पंजाबी फेल हूँ। अंग्रेजी नहीं आती? आती तुझे भी नहीं? अब क्या करें, ये बात है, मैं बाहर चल के किसी से पूछ लूंगा। बाहर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं। अरे नहीं छोड़, अरे छोड़ भाई, अरे बोलियो ना भाई साहब, अरे उन्हें खोल के बताओ। शुक्र है भगवान का, लगता है मर गए। 5 फुट भी से। ये दोनों बंदर कौन है ब्रिगेडियर? सर ये है अरी हरिधरा, ये है गिरी हरिधरा। ये दोनों आर्मी में थे सर। ये पागल है, उल्टी सीधी हरकतें करते थे, इसलिए मैंने इनको आर्मी में से निकाल दिया था। और मैं इन दोनों को दुनिया से निकाल दूंगा। ये दुनिया क्या तुम्हारे बाप की है? और शट अप, लगता है इन गोलियों पर तुम्हारे नाम लिखे हुए हैं, तो अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। सर सर इफ यू डोंट माइंड, ये शुभ काम मैं अपने हाथों से कर सकता हूँ? वाह, एक बाप अपने हाथों से अपनी बेटी और अपने दामाद का खून करेगा। हाँ, क्या खूबसूरत नजारा होगा। गुड ब्रिगेडियर, गो अहेड सर। थैंक यू। लेकिन सर मरने से पहले मैं इनकी आखिरी ख्वाहिश पूछ सकता हूँ? आई नॉट। बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं तुम्हें फांसी के फंदे से लटका देखना चाहता हूँ। ओरिजिनल। और तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? जो इनकी ख्वाहिश है वही मेरी है। हिंदुस्तानी नारी। और तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? हम चाहते हैं कि अगले जन्म में हम कुत्ते बने। और तुम? बिजली का खंभा। भगवान से प्रार्थना करो कि वो अगले जन्म में तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करे, क्योंकि इस जन्म में सिर्फ मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। अब चलाओ, वहां से शुरू करो, चलाओ गोली, जल्दी करो जल्दी करो। अरे यार मारने का मजा तो लेने दो, जब तक मरने वाला तड़पेगा नहीं तो क्या मारा। सारे पागल इकट्ठे हो गए, देख लेता हूं। यहां से शुरू करो। रुक जा, रुक जा भाई। आप बताओ कौन हो, कब आए, कहां से आए और कैसे आए? ये मैं सब बताऊंगा। ये बताओ मेरे बेटे को बांधा क्यों? इसका बेटा? वो मेरा बेटा। कौन बेटा? वो मेरा कोई बाप नहीं है। मेरा मतलब बाप है लेकिन यहाँ नहीं है। झूठ बोले कौवा काटे। अबे घनचक्कर, तू यहाँ भी आ गया? क्या तुम इसे भी जानते हो? जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। कभी ना घटिया जलील आदमी है ये। हाँ ये मेरे समधी है और ये मेरी बहू है। नहीं ये बहू है। नहीं ये मेरी पत्नी है। लेकिन मैं इनकी बहू हूँ। अगर तुम इनकी बहू हो तो फिर मेरी बेटी नहीं हो। लेकिन मैं आपका दामाद हूँ। तो मेरा बेटा कौन है? सुनिए, हम जानते हैं कौन किसका क्या है, लेकिन हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम धरती माता की संतान है। अभी धरती माता कौन है, क्या तुम मुझे बताओगे? मुझे नहीं मालूम। और नंबर दो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। मैं पागल हो जाऊंगा। जी ये खुफिया जगह। जी हाँ, यहाँ कोई नहीं आ सकता। कोई नहीं आ सकता। कभी नहीं आ सकता। कभी नहीं। ये पिकनिक स्पॉट है, यहाँ फैमिली भी गेट टुगेदर हो रहा है। और तुम कहते हो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, खुफिया जगह है। ऐसा करो, बाहर बोर्ड लगा दो, कोल्ड बियर सोल्ड हियर, ताड़ी माड़ी जा बिक्री केंद्र। एंड शट अप। क्या कर रहे हैं आप? मैंने पीछे से रस्सी खोल दी है। ब्रिगेडियर, यस। अब ये खून सब मुझे करने पड़ेंगे। चलो लेडीज फर्स्ट, लेडीज। चलो भागो, जल्दी करो, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। अरे कोई देखो, अरे बचाओ, अरे उस गुंडे को पकड़ लो, बेचारे मास के पीछे पड़ गया। अबे गंजे की चमचागिरी कर रहा है, बाल वाले क्या बोला है, है? अच्छा अब पकड़े गए तो पार्टी बदल रहे हैं। एक मिनट क्या बोला? कुछ नहीं। तुम कुछ बोला? नहीं। हम कुछ सुना? तुम कुछ बोला? नहीं। हमको कुछ बोला? नहीं नहीं। तुम सुना? हम सुना तो
देखो हम लोग बात कर रहे, देख रहे हो तुम? सॉरी सॉरी। हाँ क्या बोला? नहीं बात हमने कुछ नहीं, हमको कुछ आवाज आई। क्या बोला? कोई नॉक कर रहा है सर। अबे घोचो ऐसे नहीं मारते, मुक्का बना, मुक्का बना। अब देख जाओ मेरे भूखे शेरो, इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। किल साहब, सबसे पहले इस बदमाश को पकड़िए, यही सारे गिरोह का बॉस है, और साथ साथ इस ब्रिगेडियर को भी फांसी के फंदे पे चढ़ाइए। ए, किसको किधर चढ़ाने का साहब को बराबर मालूम है? तुम मत बोलो नोगस। हेलो ब्रिगेडियर साहब, आपको इस मिशन में तकलीफ तो नहीं हुई? जिस्मानी तौर से नहीं सर, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए ये सोच करके मैं अपनी बेटी और अपने दामाद की नजरों से इतना गिर चुका हूं जिसकी कोई इंतहा नहीं। अफसोस तो इस बात का है सर के ना तो मैं इन्हें कुछ समझा सका ना ये कुछ समझ सके। मैं नकली कागजात, नकली नक्शे दिखा दिखा कर इस ग्रोह के सरदार तक पहुंचना चाहता हूं। मैं समझता हूं, कभी कभी चोर को पकड़ने के लिए आदमी को चोर भी बनना पड़ता है। आपने देश को तबाही और बर्बादी से बचा दिया। वी ऑल सैल्यूट यू। वाह वाह।